एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को करवा और चलनी घर में रखे हुए सामान से डेकोरेट करना बताऊंगी और बहुत अच्छे लगते हैं सजाने के बाद। तो इसके लिए चाहिए हमको करवा, चलनी और इस तरह की लेस जो आपके पास रखी हो। आपके पास डेकोरेशन का जो सामान हो वो सारा ले लीजिए आप। एक्रेलिक कलर ले लीजिए, ब्रश, मोती, लेस, जो कुछ भी आपके पास है वो सब ले लीजिए आप। तो बस आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले मैं ले लूँगी रेड कलर। रेड कलर पूरी मटकी पे कर देना है अच्छे से। आपको जिस कलर का करवा चाहिए आप उस कलर को कर लीजिए। मुझे रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने रेड कलर कर रही हूँ। तो आप ये सारा कर लीजिए। मैंने उसको करवे को रेड पूरा कर लिया है। ये है उसका दिया। तो दिए को भी हम अच्छे से रेड कलर से चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दिया भी कर लिया। अब ये है चन्नी। चन्नी को भी मैं रेड कलर से कर लूँगी। ये जो एक्रेलिक कलर है ये कलर किसी पर भी अच्छे से पेंट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने सारी चन्नी को रेड कलर से कर दिया है। आप जितना डार्क करना चाहें उतना कर लें। मैंने दिया भी कर लिया है और करवे को भी कर लिया है। तो बस अब इस पे मैं लगा दूंगी फेविकॉल। फेविकॉल को थोड़ा अच्छे से लगा लीजिए क्योंकि इस पे हम लेस चिपकाएंगे। आपके पास जो भी लेस हो वो आप कर लें, चिपका लें अच्छे से। और वैसे भी हमारे पास जो हम लोग घर में कुछ ना कुछ आर्ट क्राफ्ट करते हैं तो चीज़ें बची जाती हैं। तो बस ये सारा सामान मेरा घर में रखा हुआ था तो मैं बस उन्हीं से सारी चीज़ों को डेकोरेट कर रही हूँ। ये है कांच, इसका भी मैंने कुछ बनाया था तो वो कांच भी बच गए थे। तो आप ये सोचिए घर में हम लोग कुछ ना कुछ आर्ट क्राफ्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको हमेशा संभाल के रख लेनी चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी काम वो आ सकती हैं। तो मैंने अपनी साड़ी बनाई थी घर पे तो उसमें ये वाइट कलर के जो मोती हैं वो मैंने लगाए थे तो वो बच गए थे। तो बस सारे घर में रखा हुआ सामान से मैंने डेकोरेट कर लिया है। और 20 से 25 रुपए में दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। और जब हम कुछ भी काम अपने लिए करते हैं और वो बहुत सुंदर लगता है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो इसलिए मैं खुद ही बनाती हूँ हर साल अपना करवा। इस बार थोड़ा सा मैं छलनी को थोड़ा यूनिक कर रही हूँ। तो मेरे पास रखे थे ये नए लटकन, अभी मैं इसमें टेप से चिपका दूंगी। तो जब इसमें हम दिया रखेंगे, दिए से चांद को देखेंगे तो ये इस तरीके से लटकन लटकेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और इसमें भी डायमंड लगे हुए हैं। तो बस चलनी हो गई हमारी रेडी। अब करवे पे भी इस तरीके से चारों तरफ फेविकोल लगा देंगे ऐसे। फिर इस पे भी लेस लगा देंगे। तो ये जो गोल्डन लेस है ये बहुत सुंदर लगता है, गोल्डन कलर आप किसी पे भी लगा लीजिए। तो ये जो लेस है वो मेरे पास पहले से रखी हुई थी, माता जी की चुन्नी के लिए लाई थी तो वो बच गई थी तो वो लगा रही हूँ। और ये है पतली वाली गोट बोलते हैं इसको, ये भी मेरे पास रखी हुई थी। बच्चों के स्कूल के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं हम लोग तो बस वही सामान बच जाता है। तो आप लोग भी संभाल के रखिए और क्यों ना इस करवा चौथ को आप अपने हाथों से ही करवा और चन्नी को तैयार कीजिए। और आप अपने हाथ से थाली भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने थाली को नहीं किया है क्योंकि थाली में बहुत सारा सामान रखना है तो मेरे पास पहले से डेकोरेट की हुई थाली रखी है तब वो मैं ले लूँगी। अगर आप लोग कहेंगे कि वही थाली भी डेकोरेट कर दीजिए तो मैं दिवाली पे उसकी वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अगर आपको थाली भी डेकोरेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए तो मैं कर दूँगी। ये देखिए मैंने मोती और कांच को बहुत अच्छे से चिपका लिया है। तो आप भी इस तरीके से लगा लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से ही डेकोरेट करने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है। और फेविकॉल भी बहुत अच्छे से लगा लीजिए तो ये सारी चीज़ें छूटेंगी भी नहीं। तो मैंने ले लिया येलो कलर, थोड़ा सा और इस पे डिज़ाइन कर देते। आपका जैसा मन करे कलर ले लीजिए और जो डिज़ाइन आपको करना है वो आप कर लीजिए। बस आप लोग घर पर ही सारी चीज़ें बनाएं
तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो आप लोग जब मेरे चैनल में एक बार आप विजिट करके देख लीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने कुकिंग की भी है, मेरा आर्ट क्राफ्ट भी है। अभी तो दिवाली के लिए तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो का इंजॉय कीजिए। तो देखिए मैंने बीच में बना दिए हैं स्वास्तिक, तो आप भी इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आपकी क्रिएटिविटी दिखानी है आप दिखा सकते हैं। तो दिखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैंने छलनी भी कर दी डेकोरेट, करवा भी हो गया, बचा हमारा छोटू दिया, इसको भी अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दोनों चीज़ें कितनी कलर जो हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। बस आप लोग इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए। और आप लोग, मैं देख रही हूँ व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखते हैं, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से समझा दूंगी। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, बीच बीच में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं वो रह जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।